तो यहाँ पर होंडा ने पूरा इंटरफेस आपका बनाया है, होंडा इलेक्ट्रिक स्वैप स्टेशन। आपको लोकेशन सर्च करनी है नियर बाय आपका कौन सा स्टेशन है। मान लीजिए ऐसे कुछ स्टेशन गली गली में लगे रहेंगे, अलग अलग मॉल्स में लगे रहेंगे, ऑफिसेज में लगे रहेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन का जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे, जो आपका ये पूरा डोर है इसका ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन होगा। आपको अपनी गाड़ी में से जो बैटरी है उसको निकालना है, जो वहाँ पर खाली जो सेल होंगे उसमें डालना है अपनी बैटरी को। होंडा की जो स्मूथनेस है ना वो चीज़ आप नोटिस करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा बेली ई। आज होंडा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे सामने पेश करा है, नाम है इसका होंडा बेली ई। अब ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज है, लेकिन भाई होंडा है। प्रॉपरली देख लीजिए, होंडा इस साइड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी होंडा लिखा हुआ है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे होंडा के इस पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे खास बात है जो इसमें आपको बैटरी मिल रही है ये मेड इन इंडिया है। बहुत ही बढ़िया एक स्कूटर यहाँ पर पेश किया गया है। होंडा ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता था उतना प्रैक्टिकल बनाया है, सारे फंक्शन दिए हैं। साथ ही यहाँ पर होंडा ने अपना पहला स्वैपिंग स्टेशन भी हमारे सामने पेश करा है। सिंपली आपको करना क्या है, इस स्कूटर की बैटरी को लाइए, यहाँ पर पुरानी बैटरी डाल दीजिए, इससे जो चार्ज बैटरी है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उससे अच्छी बात, ये स्कूटर आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको रेंटिंग का सिस्टम ये दे रहे हैं, सब कुछ समझाने वाला हूँ। जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कहीं ना कहीं एक कम्यूटर सेगमेंट का स्कूटर है जो कि इसको बनाया भी गया है। इसमें कहीं से भी ना परफॉर्मेंस वाली चीज़ नहीं लगेगी, जो प्रैक्टिकलिटी है जो स्पेशली हमें रोज़ स्कूटर चलाने में चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 हॉर्स पावर के आसपास की इसकी पावर मिलेगी और 15 NM के आसपास का इसमें टॉर्क मिलेगा। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया। आज हम इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे और समझेंगे स्कूटर अपने साथ क्या दे रहा है। अगर आप टायर प्रोफाइल को देखेंगे, टायर के साइज़ को देखेंगे, अलॉय को देखेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखेंगे, तो यहाँ पर आपको होंडा के एविएटर की याद आएगी, जो कि बिल्कुल लग रहा है डिज़ाइन फ्रंट से स्कूटर अच्छा दिखता है। प्रैक्टिकलिटी में सब कुछ है और जो होंडा का भरोसा है वो तो इसके साथ मिल ही जाएगा। अगर इसके रेंज की बात करें तो 78 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज में आपको मिलेगी और कोई भी चाइनीज स्कूटर की तरह भाई ये कहीं बीच रास्ते में नहीं फटने वाला है और होंडा का पूरा भरोसा मिलता है। सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पर होंडा का जो नाम है वो मिलने वाला है। फ्रंट का जो काउल है बिल्कुल सिंपल रखा गया है, एक यहाँ पर एडिशनल आप बास्केट इसमें लगा सकते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन है। साथ में देखेंगे इतना कुछ अंदर आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर हैलोजन में दिए गए। लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ देखेंगे तो दी गई है LED के साथ, जो कि मल्टी रिफ्लेक्टर यूनिट है। लो बीम के लिए अलग है, हाई बीम के लिए अलग है और अच्छी लग रही है। फ्रंट में आप देखेंगे फाइबर का आपको यहाँ पर बटगार्ड दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सब कुछ आपको होंडा के एविएटर से उठे हुए मिलेंगे। जो फ्रंट का अलॉय है वो भी होंडा का जो एविएटर पहले आता था वही साइज़ है। 90-90 12 इंच का आपको फ्रंट में अलॉय मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है कहीं ना कहीं होंडा एक्टिवा के लेवल का ही मिलने वाला है। और ये रही आपके सामने ऑल न्यू होंडा बेली ई की ब्रांडिंग। आप उस साइड देखेंगे पेंट स्कीम काफ़ी अच्छी लगेगी, क्लैडिंग का पार्ट प्रॉपर यूज़ किया गया है। इस साइड देखेंगे ये जो आपको नीचे की मिलेगी, ये इसके नीचे जो बैटरी सिस्टम है इसको अनलॉक करने के लिए बनाई गई है। दो आपको इसमें बैटरी स्टेशन मिलेंगे जो कि आपको दिखाते हैं किस हिसाब से होता है, तो इसको आप उठाएंगे और अपने अकॉर्डिंग एक एक बैटरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बैटरी को थोड़ा पास से देखेंगे तो यहाँ पर रख के देखते हैं बैटरीज को, तो ये है रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी जो कि इसकी वोल्टेज है 50.26 वोल्ट की कैपेसिटी है इसकी, 29.4 Ah की टोटल एनर्जी है इसके अंदर 1494 वाट आर की। और भाई सबसे खास बात ये है ना, ये बैटरी आपकी मेड इन इंडिया है। तो भैया ये स्कूटर एक तरीके से मेड इन इंडिया स्कूटर यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं 26.1 Ah की बैटरी आपके सामने यहाँ पर रख रही है होंडा ई डॉट, जो यहाँ पर होंडा की अपनी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है वो समझ लेते हैं। इसको अंदर रखना भी बिल्कुल आसान है, सिंपली आप रख दीजिए और इसको आप दबाएंगे। यस, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर आपको मेड इन इंडिया बैटरी मिल रही है भाई, सबसे बढ़िया चीज़। चाइनीज़ बैटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, सेफ्टी के साथ होंडा ने यहाँ पर काम करा है। अब ये गाड़ी लॉन्च हुई है, क्या हुई है सबको समझाता हूँ। डिज़ाइन सेंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक ओपन टाइप एक हैंडल मिलेगा जिसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है होंडा ने। छोटा सा आपको यहाँ पर प्लास्टिक क्लैडिंग दी है। जो आपको लीवर मिलेंगे सारे ब्रेक्स के अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतले से दे दिए, अच्छी क्वालिटी है। जो सारा आपको यहाँ पर केबलिंग दी गई है प्रॉपर मिलने वाली है। लॉक सिस्टम मिलता है इस गाड़ी में, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं इसके डैशबोर्ड को। अब जो कॉकपिट आपको यहाँ पर होंडा ने दिया है बिल्कुल डिजिटल लेआउट में दिया है, सबसे पहले आपको होंडा का प्यारा सा लोगो मिलने वाला है।
सर्कुलर आपको यहाँ पर डायल मिलेगा। और जो इस गाड़ी का डिज़ाइन भी है बिल्कुल रेट्रो रखा गया है, क्लासिक लुक के साथ आती है गाड़ी और ऐसी दिखेगी। बाकी इसमें ना दो लोगों के बैठने की स्पेस है, अगर आप चाहे तो सिंगल सीटर वर्जन भी ले सकते हैं। पीछे आप पैनल लगाइए ना लगाइए आपके ऊपर है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उससे थोड़ी बहुत और कॉस्ट आपकी बच जाएगी। साथ में देखेंगे ये आपको ऐसी कुछ ग्रिपिंग मिलती है। साइड में देख रहे हैं आप यहाँ पर हैंडल के एंड बार्स तो बढ़िया अलॉय के दिए गए, अच्छी फिनिश मिलेगी, कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं है इसमें। इस साइड देखेंगे मिरर आपको नॉर्मल मिलेंगे, उसके साथ यहाँ पर लाइट्स के सारे कंट्रोल है, हॉर्न ये है, टर्न इंडिकेटर आप देखेंगे तो हैलोजन के साथ है और बजर भी दिया गया, साउंड भी कर रहा है टन टन करके। और ये आप सारी लाइट्स के सिस्टम ये दिया गया है इसमें, रिवर्स का सिस्टम। इस साइड देखेंगे यहाँ पर भी इसको स्टार्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से देख रहे हैं आप ये जो होंडा की जो स्मूथनेस है ना वो चीज़ आप नोटिस करेंगे। मोटर की बात करें तो 980 वाट की मोटर मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि 6-7 हज़ार वाट की मोटर मिलेगी, केवल 980 वाट की मोटर मिलेगी। 78 किलोमीटर्स की आपको उसमें रेंज मिलने वाली है, लेकिन जो होंडा का स्वैपिंग स्टेशन है उससे ये गाड़ी सबसे बढ़िया चॉइस बनती है। और सबसे खास बात, मेड इन इंडिया बैटरी है, 10 बार बोल चुका हूँ क्योंकि खुशी हो रही है भाई मुझे, मेड इन इंडिया बैटरी होंडा यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे इसका पूरा आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलेगा, इसके पीछे सस्पेंशन आपको पीछे सिंगल मिलेगा, मोनो सस्पेंशन है। पीछे का जो टायर साइज़ है 190/10 का मिलने वाला है, पीछे 10 इंच का आपको अलॉय रिम मिल रहा है और बिल्कुल आपको जो होंडा एविएटर के अलॉय मिलते थे वही दिए गए, होंडा की ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पर दिए गए। कॉस्ट कटिंग आपको फील होगी पीछे की तरफ, थोड़ा सा क्लासिक लुक रखा गया है। इसका टायर हगर भी देखेंगे, बड़ा भारी वर्कम दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इसका सिंगल स्पीड का गेयरबॉक्स रहेगा, मोटर इसके अंदर ही हाउस की गई है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है तो साउंड बहुत कम करेगी ये चीज़। यहाँ पर आप देखेंगे नट बोल्ट बिल्कुल गायब है, लॉकेबल सिस्टम है, तो मतलब ना कॉस्ट कटिंग है इस माल की फुल की, लेकिन फिर भी होंडा की रिलायबिलिटी किसी भी चाइनीज़ कंपनी से ज़्यादा बेटर होगी। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वेंटिलेशन का सिस्टम दिया गया है, प्रॉपर फिन्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए। पीछे आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलेंगे और साथ ही ब्रेक लैंप देख रहे हैं तो ये भी हैलोजन के साथ है, तो ये भी कुछ चीज़ें कॉस्ट कटिंग के पार्ट में आती है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, जिसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल हो, होंडा के भरोसे के साथ आए, तो इससे बढ़िया ऑप्शन इस मार्केट में तो नहीं होगा। मोटी मोटी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दियाँ दी गई है, जो कि दो आपको मिलने वाली है, बेंटली ई की ब्रांडिंग मिलेगी। अब ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज़ है, लेकिन भाई होंडा है, प्रॉपरली देख लीजिए, होंडा इस साइड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी होंडा लिखा हुआ है। और ये इसकी एक डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है किस तरीके से काम करती है, तो ये इसका आपको फुल डिजिटल इंटरफेस मिलेगा। स्पीडोमीटर मैंने आपको समझाया कि जिस हिसाब से आप एक्सीलेटर यहाँ पर देंगे उसके अकॉर्डिंगली ही हल्के हल्के ये अपनी जो स्पीड है यहाँ पर बढ़ाने और कम करने वाला है, रेडी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। साथ ही आप चाहे तो इसको रिवर्स में भी डाल सकते हैं, रिवर्स के लिए आपको इसको और इस वाले को एक साथ दबाना होगा, इसका पहिया उल्टा घूमने लग जाएगा तो ये रिवर्स मोड एक्टिवेट होता है। थोड़ा और देखेंगे तो यहाँ पर ये टाइम शो कर रहा है, उसी के साथ यहाँ पर ये टोटल ओडोमीटर यहाँ पर शो करने लग जाएगा, साथ में यहाँ पर आपको जो ट्रिप है वो शो करेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बैटरी परसेंटेज वो ये शो करने वाला है, अभी 100% चार्ज है तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो हजार्ड का सिंबल है वो ऑन हो जाएगा, टर्न इंडिकेटर का ये है, आई बीम का सिस्टम यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। गाड़ी सही बनाई है, मतलब प्राइसिंग भी बताता हूँ आपको किस चीज़ से है। अब आप अगर कोई भी चाइनीज़ कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं एटलीस्ट इस गाड़ी को एक बार देख लीजिए, अगर ये आती है तो आप ज़रूर लीजिए। उसके अलावा अगर जो इंडियन कंपनी है उसमें जाएंगे तो भाई बहुत ही सही है, एथर जैसी ब्रांड है, हीरो की वीडा है, लेकिन भाई वो 1.5-1.5 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं, लोग लेने से थोड़ा डर रहे हैं, बात भी सही है, उतनी परफॉर्मेंस हर किसी को नहीं भी चाहिए। तो यहाँ पर होंडा ने बिल्कुल समझदारी से काम करा है कि सिंपल गाड़ी बनाई है, उतनी ही बनाई है जितनी लोगों को चाहिए। ये देख रहे हैं आप सारा सिस्टम बिल्कुल एक्टिवा वाला आपको दिया गया है, तो उसको अगर होंडा एक्टिवा का सस्ता इलेक्ट्रिक अवतार भी कहेंगे तो क्या दिक्कत है। होंडा की यहाँ ब्रांडिंग के साथ ये सारा आपको की होल मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि अभी बिल्कुल ना नई नई गाड़ी है तो ये ऑपरेशन करने में हल्की सी तो आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा सा की स्लॉट भी टाइट लग रहा है। यहाँ पर स्पेसिंग है इसको लगेज होल्डर करने के लिए, यहाँ देखेंगे तो आपका 12 वोल्ट का एक तरीके से 24 वाट तक की पावर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको फ़ोन चार्जर या कोई भी फॉग लैंप इसमें लगाने इनकेस तो यहाँ से आप पावर इससे ले सकते हैं। इतना कुछ स्पेस मिलेगा होंडा एक्टिवा के मुकाबले, थोड़ा कम स्पेस है यहाँ पर। और ये देख रहे हैं सारे के सारे जो बोल्ट है वो भी एक्सपोज्ड है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना स्पेस है। बाकी गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट बनाई गई है होंडा एक्टिवा के मुकाबले, ज़्यादा आसान होगा शहरों में चलाना, लेकिन सामान ले जाने के लिए बिल्कुल दमदार बनाई गई है। गद्दियाँ बड़ी बड़ी है, यहाँ पर हल्का कम स्पेस है, लेकिन आगे कैरियर लगा के और स्पेस इसमें लिया जा सकता है। नीचे अगर फुटबोर्ड में देखेंगे तो पीछे आप स्विंग आर्म देख रहे होंगे जो कि सिंगल साइड एक्टिवा वाली है। आप देखिए इसको यहाँ डालिए और इसको कर दीजिए ऑन, ये इसकी सीट यहाँ से हो जाएगी ऑन और ये आपके सामने खुलती है होंडा की मेड इन इंडिया बैटरीज। देख लेते हैं क्या कुछ है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। और जो पूरा लैचिंग सिस्टम है, सारा जो बनाया गया है ना सिस्टम,
बड़ा साइज है। इस साइड भी प्रॉपर पैडिंग की गई है, प्लास्टिक को अच्छा सपोर्ट दिया गया और अच्छी खासी मतलब ना कॉस्ट कटिंग फील नहीं होगी आपको इसमें। और होंडा है तो एक खुशी वैसी आ जाती है। बेंटली ई डॉट इसका नाम है। जिस तरीके से यहाँ पर होंडा का पूरा जो होंडा ई टेक्नोलॉजी, पूरा होंडा का पवेलियन ही देख रहे होंगे, ये पूरा इनका सिस्टम है। और इस साइड जो बैटरियाँ लगी गई है इसी के अंदर लगी है, ये किस हिसाब से निकलती है ना वो भी समझाता हूँ। एप्लीकेशन का पूरा डेमो आपको दे दूंगा। और देखिए पास में तो उसको करना क्या कि इसका मेन लैच हटाइए, ये हट गया, इसको उठाइए, ये उठ गया। एक क्लिक में उठाएंगे तो बड़े आसानी से आता है। और उठाने के बाद आपको इसको ऊपर रखना है और यहाँ पर जो बैटरी है उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बैटरी आपने नीचे निकाल ली। अब इसमें दो बैटरी है। अब इसका ये ऑप्शन है कि आप दोनों बैटरियों को एक साथ चार्ज कर लीजिए। अभी देखिए एक में है बैटरी, तो देखते हैं कि ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ से हमने की निकाली, अभी ये चले जाना चाहिए। इसको लॉक नहीं करते, इसको यहीं छोड़ते और यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। ये सिंगल बैटरी में भी, ओ भाई साहब सिंगल बैटरी में भी काम कर रहा है। नहीं, सिंगल बैटरी में ये काम नहीं करेगा। तो इसका यही है कि यहाँ पर देख रहे हैं LR एरर आने लग गया, तो सिंगल बैटरी में काम नहीं करेगा। ऑलवेज इसमें दो बैटरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन जो भी कनेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल बैटरी में आप इससे काम ले लेंगे। तो दोनों बैटरियाँ एक साथ इसमें लगी रहनी चाहिए। साथ में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दिखा रही है। लिथियम आयन बैटरी है। नॉमिनल वोल्टेज है इसकी 50.2 वोल्ट की। कैपेसिटी है इसकी 29.4 AH की एक बैटरी की। दो बैटरी अगर ऐड ऑन करेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पर 60 AH के आसपास की कैपेसिटी दोनों बैटरियों की होती है। चार्जिंग करंट आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे अच्छी बात, थोड़ा नीचे चलिए, होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड मेड इन इंडिया बैटरी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके सारे आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल है। मेड इन इंडिया बैटरी है भाई, इंडिया में होंडा बैटरियाँ बना रहा है। ये सब चीज़ें देखेंगे, इसके सारे कनेक्टर हैं, मतलब जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होंडा देती है। जापान की भी कुछ फॉन्ट यहाँ पे लिखे गए, लिथियम आयन लिखा गया है। अभी बैटरी को आपको करना क्या है, आपकी मान लीजिए यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहा था कि बैटरी लो है, जैसे अभी एरर आ रहा है, इस बैटरी को आपको ले जाके इस स्वैपिंग स्टेशन में जाना है। इसका पूरा डेमो आपको देता हूँ, एप्लीकेशन से होगा। तो होंडा के बंदों को लाते हैं, उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं किस हिसाब से आप इसकी बैटरी को स्वैप करेंगे। ये बैटरी हमने दोबारा वहीं रख दी है, इस वाली से निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि इसकी चार्जिंग थोड़ी कम है। तो यहाँ पर होंडा ने पूरा इंटरफेस आपका बनाया है, होंडा इलेक्ट्रिक स्वैप स्टेशन। आपको लोकेशन सर्च करनी है, नियर बाय आपका कौन सा स्टेशन है। मान लीजिए ऐसे कुछ स्टेशन गली गली में लगे रहेंगे, अलग अलग मॉल्स में लगे रहेंगे, ऑफिसेज में लगे रहेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन का जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे, जो आपका ये पूरा डोर है इसका ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन होगा। आपको अपनी गाड़ी में से जो बैटरी है उसको निकालना है, जो वहाँ पर खाली जो सेल होंगे उसमें डालना है अपनी बैटरी को और वहाँ पर उस जैक को लॉक कर देना है। और फिर आपके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि कौन सी चार्ज है या फिर जो सबसे ज़्यादा चार्ज बैटरी है, ये आपको अलॉट कर देगा। देखते हैं सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सिस्टम में ही सब कुछ काम होगा, आपकी गाड़ी रजिस्टर होनी चाहिए। देखिए तो उसने बता दिया कि इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है और वहाँ से आप बैटरी को निकाल लीजिए और अपने सिस्टम में जो अपनी गाड़ी है उसमें लगा लीजिए। और दूसरे को भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ऑप्शन है, लेकिन एक बैटरी से गाड़ी नहीं चलेगी। ये देख रहे, ये लगा दिया, उसको लॉक कर दीजिएगा अच्छे से। अब ये खुद ही बताएगा, सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि जितनी बैटरियाँ मेरे पास है सबसे बढ़िया बैटरी इसको कौन सी दूँ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो टाइमिंग चल रही है सब कुछ, तो ये है। और बिल्कुल ऑनलाइन इंटरफेस के तौर पे काम हो रहा है। टोटल यहाँ पर 9 बैटरियाँ लगी हुई है, 9 सेल लगे हुए हैं। तो इसको देखते टाइम ले रहा है। और फुल ऑन सिक्योरिटी है, होंडा का नाम लगा हुआ है, कैमरा सिस्टम सब कुछ लगा है। अब इंडिया में ये कितना ज़्यादा सक्सेस होगा वो डिपेंड करता है। यस, तो यहाँ पर इसने आपको देखिए एक इंटरफेस आया कि इस तरीके से चार्जर 2 नंबर की जो बैटरी में है वो ओके है, तो इसने ले लिया। तो इसने क्या काम करा, पहली वाली बैटरी हमने सबमिट करी, अभी हमने ना दो बैटरी यहाँ पे स्वैप कर दी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जाके हमें रेंज मिलेगी 78 किलोमीटर की, जो कि होंडा की अपनी सर्टिफाइड रेंज है इस गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर की। यहाँ पर देखेंगे फूड पांडा इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा अपना जो इंटरफेस है इसके साथ वो बना लिया, ग्राफिक लगाए हुए हैं। और ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, तो आप जैसे ही वहाँ से साइन ऑफ कर देंगे आपको ये बंद होते हुए दिखेगा। लेकिन भाई ये जो सारा सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड जो एक सोसाइटी है वहाँ के लिए ही सही है, क्योंकि इसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। लगभग यहाँ ही अगर आप देखेंगे तो
5-6 लाख रुपए से ज़्यादा का एक इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उससे ऊपर बैटरियों के कॉस्ट देखेंगे और सेफ्टी के मामले में होंडा को कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो आज बैंकॉक मोटर शो में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ इस गाड़ी को शो किया गया है, बेचने के लिए कोई प्राइसिंग नहीं बोली है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग होगी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए तो जाएगी ही, जिस हिसाब से ये होंडा के नाम के साथ आ रही है। और जो क्वालिटी और जो मटेरियल यहाँ पर होंडा एक तो मेड इन इंडिया गाड़ियों के साथ साथ जो अपना मेड इन इंडिया पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो चाइना को इनने अवॉइड करा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होंगे चाइना से, लेकिन फिर भी 1.25 लाख के आसपास की प्राइस इसकी रहेगी। यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसको रेंट पर ले लीजिए, जो रेंट का ऑप्शन है ये है 4,500 baht का, सिंपल भाषा में लगभग 11,000 रुपये पर मंथ का आप इसमें रेंट देंगे होंडा को, थाईलैंड की बात हो रही है। और यहाँ पर आप 1 महीने तक इस गाड़ी को आराम से चलाइए, यहाँ पर जितने भी इनके स्वैपिंग स्टेशन लगे हुए हैं उनका आप आनंद लीजिए, जिस हिसाब से एथर आपको अभी फ्री में चार्जिंग देता है वही ऑप्शन यही है, लेकिन एथर में आपको 1.5 लाख रुपये की पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप फ्री में चार्जिंग लेंगे। यहाँ पर आपको फ्री में जितना भी स्वैपिंग करना है, जितनी भी चार्जिंग करनी है करते रहिए, सिर्फ 1 महीने के 11,000 रुपये होंडा को देते रहिए, और वो आपके ऊपर है कब तक देना है आपको, कब आपको गाड़ी सरेंडर कर देनी है। तो ये ऑप्शन अभी दिखाया है, प्राइस ऐसा नहीं है कि भाई आपकी हो गई गाड़ी, वो ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो होंडा आपसे इसको उठवा लेगा। अगर आप इसका सिंगल सीट वाला वर्जन लेंगे तो इसका वजन है 129 kg का, एक्टिवा का वजन होता है 105 से लेकर 110 kg का। अगर आप डबल सीटर के साथ जाएंगे तो इसका वजन है 150 kg का। तो ऑल इन ऑल बहुत ही सही पैकेज मिलेगा, होंडा की रिलायबिलिटी और जो होंडा का एक पॉलिश प्रोडक्ट आपको दिया गया है ये आपके सामने है। दोबारा देखें, इसको आप कैसे हटाना है, इसको आप सिंपली खींचना है, बैटरी अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं इस हिसाब से, नीचे प्रॉपर इसमें कनेक्टर दिए गए। अब बारिश से कितना आपको बचाना है, क्या कुछ करना है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिंगल बैटरी में नहीं चलेगी, एरर आ जाने वाला है, जैसे वहाँ एरर आ चुका है देखिए, जैसे ही आप बैटरी इसमें लगा देंगे। अब बैटरी लगाने के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, इसको आप नीचे करिए और यहाँ पर इसको ही थोड़ा सा देखिए हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों को ना बैटरी को थोड़ा इधर उधर करना होता है ताकि बढ़िया से बैठ जाए, और इसी को आप यहाँ से बंद कर दीजिए और आप अपने सफ़र में जा सकते हैं। तो ये है आपके सामने ऑप्शन। अब ये जो एरर आया था देखते हैं हटता ही नहीं हटता है, तो ये एरर यहाँ से हट गया। साउंड स्मूथ है भाई, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी है वैसी साउंड नहीं आनी, लेकिन फिर भी होंडा एक्टिवा के लेवल की तो साउंड है इसमें, मतलब उतना तो होगा क्योंकि पीछे एक पिनियन गियर तो दिया ही होगा, साउंड एट द लास्ट उसी की आती है। तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी होंडा की बेंटली ई। मैं हूँ बैंकॉक मोटर शो में, होंडा की बहुत ही बड़ी लाइनअप है, मतलब वो सारी गाड़ियाँ आपके सामने लेके आऊँगा जो हम इंडियंस डिजर्व करते हैं, हमारे इंडिया को चाहिए ऐसी गाड़ियाँ, और मेड इन इंडिया गाड़ियाँ ही बाहर जा रही है। और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब आपका काम है कि इस गाड़ी को रैंक आपको करना है 0 से लेकर 10 के बीच में। बिल्कुल पसंद नहीं आई 0 नंबर दीजिए, बहुत पसंद आई 10 नंबर दीजिए, लेकिन दीजिएगा ज़रूर, और अपना लॉजिक भी बताइएगा कि ये गाड़ी का आपको कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा। तो अभी आप देखेंगे आपकी ऑल न्यू होंडा बेंटली ई कितना कम्फर्ट आपको दे पाती है। तो बैठेंगे कुछ इस तरीके से आप, जिस तरीके से बाकी सेगमेंट जो चाइनीज़ प्लेयर्स है वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जो होंडा का भरोसा है वो बड़ा सही है। सीटें बड़ी मोटी मोटी यहाँ पर दी गई है, पीछे यहाँ पर एक बंदा बैठ सकता है, पीछे आप सामान इसमें रख पाएंगे, ये आपको एडिशनल लेना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर रेंटिंग वाला सिस्टम है ना, 4,500 baht यानी कि 11,000 रुपये पर मंथ, वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा जो ये गाड़ी में दिख रहा है। लेकिन इंडिया में ये गाड़ी 80,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में ही रहने वाली है, लेकिन गाड़ी अच्छी लॉन्च करिए भाई, देखते हैं इंडिया में अपना कब तक इसको देखने को मिल पाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।